हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हम देखने वाले हैं फ्लश्ड अवे। मूवी की शुरुआत होती है कनिंगसन सिटी से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही उनका पालतू चूहा रोडी अपने पिंजरे से बाहर आता है और घर में अकेला होने की वजह से वो खूब मस्ती करता है। पर अगली सुबह वो जब सो रहा होता है तो उसको घर में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही चेक करते हुए किचन में पहुंचता है तो वो देखता है कि सिंक से एक सिड नाम का चूहा बाहर आता है, जो कि सीवर से आया था। अब सिड यहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाने लगता है और सीधा टीवी को ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का फाइनल मैच होने वाला था और सिड को मैच देखना काफी शौक था और वो हमेशा के लिए यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। रॉडी उसको वहाँ से जाने को भी कहता है, लेकिन सिड उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद रॉडी उसको किसी तरह टॉयलेट में लाकर उसे फ्लश कर देने का प्लान बनाता है। लेकिन सिड काफी चालाक था, वो रॉडी को ही उसमें फ्लश कर देता है, जिससे रॉडी टॉयलेट के पाइप से होते हुए सीधा सीवर में चला जाता है। फिर वहां पर उसे एक गेट नजर आती है, जिसको खोलते ही वो सीधा एक चूहों से भरा हुआ अंडरग्राउंड सिटी में जा गिरता है, जिसका नाम था रेट्रोपोलिस। फिर रॉडी वहां पर एक चूहे से ऊपर जाने का रास्ता पूछता है, जिससे वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक शिप के मालिक को ढूंढना पड़ेगा। फिर रॉडी ढूंढते हुए एक शिप में पहुंचता है, जहां उसे रीटा नाम की एक रैट मिलती है और वही उस शिप की मालिक भी होती है। रॉडी उससे ऊपर जाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन रीटा कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। तभी वहां कुछ चूहे रीटा को ढूंढते हुए आ जाते हैं। एक्चुअली रीटा के पास एक क्रिस्टल था, जिसके लिए ये सब आए थे। फिर वो रीटा से उस क्रिस्टल को हासिल करके उसे और रॉडी को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस का नाम था टॉड, जिसने पहले भी रीटा से उस क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। जिसके बाद वो रीटा और रॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर मार देने का प्लान बनाता है, लेकिन वो दोनों चालाकी से वहां से बचकर दोबारा उस क्रिस्टल को हासिल कर लेते हैं। और वहां से भागते समय रीटा टॉड का एक कीमती इलेक्ट्रिक केबल भी अपने साथ ले जाती है, जिसके जरिए सीवर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था। फिर आगे रॉडी रीटा से कहता है कि ये तो एक फेक क्रिस्टल है। वो उसको तोड़कर भी दिखा देता है, जिससे रीटा उस पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन फिर वो जैसे ही शांत होती है तो रॉडी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक नकली क्रिस्टल था, पर मेरे घर में एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे रियल क्रिस्टल्स मौजूद हैं, और अगर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगी तो मैं उनमें से तुम्हें एक क्रिस्टल दे दूंगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद रीटा भी उसकी बात मान जाती है। वही टॉड के चमचे उसे वो टूटा हुआ क्रिस्टल लाकर दिखाते हैं, लेकिन टॉड कहता है कि इसको छोड़ो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा इलेक्ट्रिक केबल है, मुझे किसी भी हालत में वो केबल रीटा से लाकर दो। वही दूसरी ओर रात हो जाने की वजह से रीटा रॉडी को अपने घर ले आती है, जहां रॉडी उसके फैमिली से मिलकर काफी खुश होता है। पर इसी बीच उसे एक गलत फहमी हो जाती है कि रीटा उसको टॉड के हवाले कर देगी, इसीलिए वो रीटा की नाव लेकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद रीटा भी उसके पीछे जाती है और फाइनली उसके गलत फहमी को क्लियर कर देती है। फिर ये दोनों कनिंगसन सिटी की ओर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ टॉड के चमचे आकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। पर इस बार भी ये दोनों बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली उन सबसे पीछा छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद टॉड अपने चमचे पर बहुत गुस्सा करता है और वो समझ जाता है कि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अपना कजिन ली फ्रॉक को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर टॉड अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो पहले एक आलीशान घर में रहा करता था और उसका ऑनर भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उनके घर में एक दूसरा पालतू चूहा आ गया तब से उसका ऑनर उसे पूरी तरह से भूल गया और उसे टॉयलेट में फ्लश करके सीवर में भेज दिया, और तभी से टॉड भी चूहों से नफरत करने लग गया। जिसके बाद ली फ्रॉक अपने आदमियों के साथ रीटा और रॉडी को पकड़ने निकल जाते हैं। वही रास्ते में रीटा रॉडी से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, जिससे रॉडी उसे झूठ बोल देता है कि मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। पर अगली सुबह जैसे ये दोबारा आगे बढ़ते हैं तो उनके नाव में ली फ्रॉक अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, पर इस बार भी ये दोनों बड़ी चालाकी से उन सारे फ्रॉक्स को चकमा देकर वहां से बच निकलते हैं। लेकिन इसी बीच रीटा की नाव डूब जाती है। अब ये दोनों सीवर से बाहर आकर कनिंगसन सिटी में पहुंच जाते हैं और चिमनी से होकर सीधा रॉडी के घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद रॉडी रीटा को एक रियल क्रिस्टल देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो उसको अपने फैमिली से मिलाने को कहती है, लेकिन रॉडी बहाने बनाने लगता है, पर रीटा उसके पिंजरे को देखकर समझ जाती है कि रॉडी यहाँ सिर्फ एक पालतू चूहा है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो उसको अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रॉडी मना कर देता है, जिससे रीटा सैड होकर वहां से चली जाती है। फिर रॉडी सिड के पास जाता है, जो फाइनल मैच देखने में काफी बिजी था। सिड को टॉयलेट लग रही थी, लेकिन वो हाफ टाइम से पहले जा नहीं सकता था, क्योंकि वो मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर रॉडी को टॉड की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि जब कनिंगसन सिटी के सारे लोग मैच के हाफ टाइम में टॉयलेट करने जाएंगे तो टॉड अपने इलेक्ट्रिक केबल की मदद से पूरा रेट्रोपोलिस सिटी को बहा देगा, इसलिए वो केबल उसके लिए इतना जरूरी था। जिसके बाद रॉडी सीट से दोबारा फ्लश करवा कर वो वापस रेट्रोपोलिस सिटी में पहुंच जाता है।
वही टॉड के आदमी रीटा को पकड़ के उसके पास ले आते हैं, जिसके बाद टॉड उससे उस केबल को लेकर फ्लड गेट को ओपन कर देता है। पर तभी वहाँ रॉडी भी पहुँच जाता है और रीटा को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड के आदमी दोबारा उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब टॉड अपना प्लान रिवील करता है कि जैसे ही रेट्रोपोलिस का सफाया हो जाएगा, यानी जब सारे चूहे मारे जाएंगे, तो अपना फ्रॉक्स का शहर बसाएगा। इसी बीच रीटा और रॉडी उन सबको चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर टॉड उनके सामने आकर रीटा को पकड़ लेता है। अब उसको बचाने के लिए रॉडी अपना दिमाग लगाता है, वो किसी तरह टॉड और उसके आदमियों को वहाँ फंसा कर रीटा को वहाँ से बचा लेता है। पर फ्लड गेट के ओपन हो जाने की वजह से बहुत तेजी से पानी अंदर आने लगता है, पर तभी लिक्विड नाइट्रोजन की एक पाइप टूटकर पानी में गिर जाती है, जिससे पूरा पानी आइस में बदल जाता है और इसी तरह सभी रैट्स की जान भी बच जाती है, जिससे सभी रॉडी की बहुत तारीफ करते हैं और रॉडी भी हमेशा के लिए यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। और वो रीटा के साथ मिलकर एक नया शिप तैयार कर लेते हैं और सभी मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।